हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम सुबह सुबह उठ चुके हैं, सुबह मतलब अभी 4:30 बज रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि वो जो अभी सुबह के टाइम में जो आरती होता है ना, वो देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। फैमिली, फाइनली हम लोग आ गए हैं मंदिर में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए, सुबह के टाइम में कोई कह सकते हो ये जगह कितनी प्यारी है यार। तो हम मतलब मैं मंदिर से आने के बाद सो गई थी और यार उस टाइम तो भगवान का दर्शन भी नहीं ले पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हम लोग उठे थे 4:30 बजे और 4:30 बजे से ही आरती स्टार्ट होता है, तो इसीलिए घुस नहीं पाए। मेरा घुसा पानी आ रहा है ठंडी की वजह से। और अभी हम लोग हम जहाँ पे घूम रहे थे, मतलब क्या बताएं, वो जो मैं कैसे बताया, वो एक आश्रम जैसे यहाँ पे हम रुक रहे थे। तो यहाँ के कुछ शॉट्स में आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी हम हैं राधा कुंड के पास, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे घूमना ख़त्म हो गया है, अभी हम जा रहे हैं नवद्वीप में। तो मायापुर को बाय बाय कह देते हैं। और ये जगह बहुत सुंदर है, आप लोग अगर कोलकाता से और अगर हाँ कोलकाता से नहीं भी हो तब भी पे आप लोग ज़रूर आना, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। मन को एकदम तसल्ली शांति सब मिल जाएगा, इतनी अच्छी जगह है। और हाँ, एक बात आप लोगों को तो पता ही होगा जो लोग आए हैं मायापुर में, यहाँ का जो मेन मंदिर है वहाँ पे मतलब फ़ोन अलाउ नहीं करता है, इसीलिए मैंने कुछ शॉट्स नहीं लिया। सुबह तो ले ही नहीं पाई और शाम को कल जब गई थी उस टाइम भी नहीं ले पाई। तो हम निकल रहे हैं अब मायापुर से नवद्वीप की ओर, ये जगह पे हम लोग रुके थे। तो हम लोग आ गए हैं घाट पे, अभी नवद्वीप जाना है, लॉन्च में जाएंगे। नहीं, यहाँ से तो नहीं दिखा सकती, मैं बैक कैमरा आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर हम लोगों ने लंच भी कर लिया और अभी निकल रहे हैं हम नवद्वीप में कुछ साइट सीइंग करने के लिए। कुछ मंदिर है यहाँ पे, तो वही घूमने के लिए, वही देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए पापा है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या सीन है। सामने भाई है।
यहाँ पे सिर्फ मंकी नहीं था, बहुत सारे डियर्स भी था। आप लोग देख रहे होंगे ये कितना क्यूट था यार। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बताऊँगी, अगर आप लोग यहाँ पे आना तो प्लीज़ इन लोगों को तंग मत करना, खाना देना मगर तंग मत करना। तो फैमिली डियर पार्क से सीधा हम लोग आ गए थे इस मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, और आप लोग देख रहे हो कि कितना बड़ा है। और बहुत ही शांत जगह था, ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे, इसीलिए शायद और ज़्यादा शांत था वो जगह। और बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत था। मतलब आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगी, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे एक बार ज़रूर आना प्लीज़। तो हम लोग ऊपर के फ्लोर में आ गए हैं। यहाँ पे तीन देवी थे, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो यहाँ पे सब भगवान कृष्ण जी के ऊपर ही है, यहाँ पे देखिए लिखा है। और उसके बाद ये माँ यशोदा लड्डू गोपाल को लेकर बैठे हैं, ये भी ऊपर में लिखा है, ये देखिए लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा, ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे, ये देखिए। फैमिली यहाँ पे कृष्ण भगवान राधा मैया को शरण कर रहे हैं, वो यहाँ पे बंगाली में भी लिखा है। और उसके बाद फिर राधा और कृष्ण भगवान के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके लिए वो मतलब रो रहे थे, और कृष्ण जी था। और उसके बाद फिर कृष्ण भगवान मतलब लड़की सच के आया था राधा के पास बात सुनने के लिए। और फिर राधा जब पानी लेने जा रहा था गंगा में, तो वहाँ पर कृष्ण भगवान उनको रोक रहे थे। और फिर यही सब है यहाँ पे उन लोगों के बारे में, कि वो लोग मतलब कितने सुंदर थे, कितना प्यार था उन लोगों के बीच में। उसके बाद फिर अप्सरा बन के कृष्ण भगवान थे यहाँ पे, प्रेम परीक्षा दे ले रहे थे राधा जी का, कि वो उनसे कितना प्यार करते वही सुन रहे थे यहाँ पे। और यही सब था। उसके बाद राधिका ने मतलब राधा ने गुस्सा किया था, तो वही मतलब उनको मना रहे थे कृष्ण भगवान। और फिर कृष्ण बलराम जो गए थे वही सब यहाँ पे दिखा रहा है। पैसा मोहर देखें, एक मोहर अपने पास तो फैमिली, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये जगह बहुत ही बड़ा है, तो मैं बाहर से भी आप लोगों को दिखाई हूँ। देखिए आप लोग, ये लोग, ये जगह कितनी सुंदर है और कितनी बड़ी है यार, क्या बताएं यार, बहुत सुंदर लग रहा था। কত নারায়ণ শিলা দেখেছো। Thank you.
फैमिली है सची माता निमाई मतलब श्री चैतन्य भगवान के माता, तो इनकी भी पूजा होती है। पास में ये जो छोटा सा घर है यही पे निमाई भगवान रहते थे अपनी मम्मी पापा के साथ, और यही वही नीम का पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे वो पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नाम निमाई रखा गया है। तो इनकी भी पूजा होती है। हम सब लोग जो बंगाल से वो लोग चैतन्य देव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और हाँ, इसी की घर के पास एक शिव जी का मंदिर है, ये देखिए आप लोग, और यहीं पे पौंचो बोटी है जिस पेड़ का मतलब दवा मिलते हैं, हम लोग रोग के लिए काम पे लगाते हैं। पहले के ज़माने में लोग बहुत यूज़ करते थे इसका। और इसी के पास भी एक रास्ता था, यहीं से निमाई भगवान चले गए थे संन्यास लेने के लिए। तो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया, पॉज करके देख लेना आप लोग। बाय बाय।